वाराणसी पहुंचे पूर्व आईपीएस ऑफिसर और अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और अमिताभ ठाकुर ने यह कहा है कि वाराणसी के अंदर माफियाओं की लिस्ट में वर्तमान विधायक और एमएनसी का नाम न होना संदेहास्पद है। और साथ ही अमिताभ ठाकुर ने यह भी बताया है कि वाराणसी में ही बड़े पैमाने पर शराब तस्करी और खनन तस्करी का काम चल रहा है। हमारे संवाददाता ने अमिताभ ठाकुर से खास बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। नगर निगम और निकाय चुनाव समीप है, ऐसे में लेकर के अब पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ ठाकुर अधिकार सेना के जो राष्ट्रीय हैं अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से वाराणसी आगमन है? वाराणसी आगमन का उद्देश्य अधिकार सेना के कार्यों की समीक्षा करना और अधिकार वाराणसी में आकर इस बात को आपके माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से प्रकट करना कि किस प्रकार यहाँ पर सत्ता का जो दोहरा चरित्र है, कथनी और करनी का अंतर है, उसको उजागर करना। सरकार का दावा जीरो टॉलरेंस, सरकार का दावा माफिया के खिलाफ कार्रवाई, हकीकत चुनिंदा लोगों को वोट बैंक के लिए टारगेट बनाना, स्टेट एनिमी राज्य का शत्रु घोषित करना और लगातार उनके विरुद्ध ही कार्रवाई केवल करना, यह सब बातें आपके वाराणसी में साफ दिख रही हैं। यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जिनको जो माफियाओं की सूची में होने चाहिए थे उनके नाम नहीं रखे, उन्हें पूर्ण आज़ादी है, जो चाहें वो कर रहे हैं। और कुछ ही लोगों को वो माफिया हैं लेकिन इस हद तक उनके नहीं, उनके पत्नी, बच्चे, परिवार, एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर और अब कस्टोडियल हत्या, यह सब कुछ हो रहा है। और आपके वाराणसी में आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम शिकायतें आ रही हैं, यहाँ से शराब तस्करी हो रही है, यहाँ से कोयले की तस्करी हो रही है, ओवरलोडेड ट्रक्स जा रहे हैं, बालू की तस्करी हो रही है, आपके यहाँ से वाराणसी से लेकर सोनभद्र चंदौली कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बात करते जिस तरीके से आपने अभी एक दिन कुछ ट्वीट किया था काशी जोन के कथित वसूली के लिस्ट को लेकर के, इसमें अब तक देखिए हमने ट्वीट किया था, मुझे उम्मीद थी कि उसमें कार्रवाई होगी। मात्र एक हेड कांस्टेबल को आपने निलंबित करके मामले को इतिश्री कर दी, मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। सरकार लगातार कर रही है कि माफियागिरी खत्म हो चुकी है यूपी में, क्या लगता है? देखिए मेरा यह मानना है कि माफियागिरी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है, यह जरूर है कि अब वह सरकार पोषित हो गई है, सारी चीज़ें हो रही हैं, सरकार उसमें सहयोग कर रही है, सरकार के अफसर सहयोग कर रहे हैं। जो अब यह हो गया कि हमारा माफिया बनाम तुम्हारा माफिया, जो हमारा माफिया नहीं है उस पर सारे खतरे हैं, जो हमारा माफिया है वो पूरी तरह भय मुक्त है। क्या लगता है नगर निकाय चुनाव समीप है, ऐसे में किस तरीके की अधिकार सेना की जो भूमिका रहेगी वो किस तरीके की? अधिकार सेना अभी एक नई पार्टी है, अधिकार सेना एक छोटी पार्टी है, अभी हम उसमें बहुत ही सार्थकता और सक्षमता के साथ हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। जो हमें अच्छे प्रत्याशी मिले उन्हें हमने खड़ा किया है और भी जो अच्छे प्रत्याशी जहाँ जहाँ होंगे उनका हम साथ देंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ आईपीएस अमिताभ ठाकुर रहे और उन्होंने जिस तरीके की बात की, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वाराणसी में वो पहुँचे और तमाम बातों को उन्होंने रखा, उन्होंने कहा कि वाराणसी से ही तमाम जो माफिया है वो पैदा हो रहे हैं, तमाम बातों को लेकर के आज वाराणसी में उन्होंने चर्चा की। वाराणसी से लोकेश पांडे, TNP न्यूज़।